नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। हिमाचल में 25 रुपए बड़ी दिहाड़ी, आप 375 रुपए मिलेंगे, अंशकालिक कामगारों को भी तोहफा। हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ीदारों और अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी और मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस मंद में प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए है। 1 अप्रैल से दिहाड़ीदारों की 51 श्रेणियों के मानदेय में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिहाड़ी 350 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए कर दी गई है। अब अंशकालिक कामगारों को 1 अप्रैल 2023 से 47 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय मिलेगा। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों और अंशकालिक कामगारों की दिहाड़ी और मानदेय में 25% की बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति को चुनौती, हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को भाजपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री समेत 6 मुख्य संस्थीय सचिवों CPS को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है। इससे पहले भी कल्पना बनाम हिमाचल सरकार और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बनाम हिमाचल सरकार के मामले में 6 मुख्य संस्थीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। अदालत ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ निर्धारित की है। अब भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने CPS के अलावा हिमाचल के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ मंत्री के रूप में हुई थी, लेकिन उन्हें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री घोषित करना असंवैधानिक है। हिमाचल में कर्मचारियों को 60 दिन में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प, SOP हुई जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है। इस योजना को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। सरकार की ओर से जारी SOP के अनुसार जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत रहना चाहते हैं, वे इन निर्देशों के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इसका विकल्प संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिससे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, उसमें कवर किया जाना जारी रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल होने की इच्छा रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी 60 दिनों के भीतर अनुलग्नक 2 में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प देना होगा। ऐसे कर्मचारियों द्वारा अनुलग्नक 3 में निर्धारित प्रारूप पर एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी। अनुलग्नक 2 और अनुलग्नक 3 के अनुसार ऑफिस का विकल्प और अंडरटेकिंग कार्यालय प्रमुख को देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की ओर से नई वो पुरानी पेंशन योजना के लिए दिया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का इस्तेमाल करने में विफल रहता है तो ये माना जाएगा कि वे नई पेंशन योजना में जारी रहना चाहता है। ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान NPS के तहत जमा होता रहेगा, क्योंकि यदि किसी कर्मचारी ने अब NPS का विकल्प चुना तो वे अपना हिस्सा जमा करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को नियमों के तहत पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश राज्य सरकार को जमा किया जाए। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पात्रता मानदंड पूरा करने वाले जिन NPS कर्मचारियों की 15/5/2003 से 31/3/2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो चुकी है, ऐसे सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य निर्धारित प्रारूप पर विकल्प का इस्तेमाल करने पर 1 अप्रैल 2023 से पेंशन के लिए हकदार होंगे। CCS पेंशन नियम 1972 और सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत लाभों को रेगुलेट करने की प्रक्रिया वही होगी जो 14 मई 2003 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होती थी। 15 मई 2003 को या उसके बाद नियुक्त OPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए
इन नियमों का यथोचित परिवर्तनों से पालन किया जाएगा। नगर निगम शिमला में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश, 24 वार्डों में जीती कांग्रेस, 9 पर सिमटी भाजपा। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला है। 34 में से 24 वार्डों पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा इस बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और मात्र 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। इसके अलावा चुनावी मैदान में उतरी मकपा 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान करवाया गया था। कुल 34 वार्डों में 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हेमडाटा पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए MOU साइन। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए हेमडाटा पोर्टल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्वनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमडाटा पोर्टल के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदार के रूप में कार्य करेगा। ये डाटा पोर्टल उस श्रेणी के विश्लेषणात्मक डाटा सेट और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल्ड डैशबोर्ड और रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश में JFT कला और शास्त्री शिक्षकों को बैच वाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा जहां कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सारे स्कूल चल रहे हैं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं है, 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैच वाइज माध्यम से चुने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रधानाचार्यों के रिक्त 269 पदों को 6 मई के बाद पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 शिक्षकों की भर्ती का अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवमानना पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ADA के स्थानांतरण मामले में प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उप जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा और सहायक जिला न्यायवादी श्वेता सड़ियाल की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पद पर अधिकारियों ने ज्वाइन कर लिया तो उनके कर्तव्य निर्वहन पर रोक रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अब 9 मई को निर्धारित की है। खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा है कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रधान सचिव गृह ने 24 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है। अदालत ने कहा है कि आदेश पारित होने तक किसी भी उप एवं सहायक जिला न्यायवादी का तबादला रद्द या संशोधित नहीं किया गया था। रद्द हो सकती है परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वर्ष 2022 में हुई नियुक्तियां रद्द हो सकती है। सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय ले सकती है। इन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे की वजह भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल SIT ने प्रदेश परिवहन विभाग में बीते साल हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का पर्दाफाश करने के बाद विजिलेंस थाना हमीरपुर में 22 मार्च 2023 को FIR दर्ज की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10 मई तक पूरा हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई तक 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लेगा, जबकि 20 मई के बाद कभी भी बोर्ड प्रबंधन रिजल्ट घोषित कर सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार जल्द रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अन्य वर्षों की अपेक्षा जल्द घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य में जुटे शिक्षक इसे 10 मई तक पूरा कर लेंगे। मूल्यांकन कार्य प्रदेश भर में बनाए गए 43 केंद्रों में किया जा रहा है। इसमें करीब 5000 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य को 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट निकालने से संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएगी।
प्रतिभा सिंह बोली, पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगन और ईमानदारी से निभाया अपना कर्तव्य। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस लगन और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया उसके लिए वे इन सब की आभारी है। प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनावों के लिए मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला सहित अन्य बड़े नेताओं का आभार जताया है। हाईकोर्ट चंबा के चुराव में अवैध पेड़ कटान मामले में वन निगम के निदेशक से जवाब तलब। चंबा के चुराव में अवैध पेड़ कटान के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने निगम के निदेशक से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है। बड़ी खबर, लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्तियों में किया बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्तियों के लिए अब प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 की भर्तियों के लिए अब नए नियम तय किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव इसमें ये किया गया कि क्लास 1 और 2 में भर्तियों में भी अब दो एग्जाम होंगे। इसमें लिखित परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ के आधार पर एग्जाम लिया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक MCQ में 4 के बजाय एक सवाल के 5 विकल्प होंगे, जिसमें 5वां विकल्प इन में से कोई नहीं का रहेगा। इसमें तय किया गया कि परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को यदि 4ों में से किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो 5वें ऑप्शन पर सर्कल भरना होगा। यानी अभ्यर्थियों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि यदि उसे सवाल का जवाब पता नहीं है तो वे उस प्रश्न को खाली छोड़ दे। ऐसा करने पर पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। किसी भी लिखित परीक्षा में अभी तक ये नियम है कि MCQ में अभ्यर्थियों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके साथ ही गलत आंसर करने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। CM सुक्कू ने 4 बचाव वाहनों को दिखाई हरी झंडी, SDRF का नया झंडा चिन्ह और वर्दी लोकार्पित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने गुरुवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल SDRF का नया झंडा निशान और वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। CM सुक्कू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा संभावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश SDRF का नया झंडा चिन्ह वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठ और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य सेवा निगम न्यू हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन बन गया है। इस निगम के माध्यम से अस्पतालों के लिए दवाइयों, उपकरण, मशीनरियों की खरीद फरोख्त होगी। इससे सरकारी दुकानों में मरीजों को दवाइयों और उपकरण और भी सस्ते मिल सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास न करने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सहित राज्य सरकार से इनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस संवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार 4 माह बीत जाने के बाद भी जवाब दायर नहीं किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों सरकारों से भिखारियों और सड़कों पर दयनीय स्थिति में जीने वाले बच्चों से जुड़े 10 बिंदुओं पर जानकारी तलब की है। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस महीने से महंगी बिजली का झटका लगेगा। 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक शुल्क चुकाना होगा। व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 46 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है। अप्रैल में इस्तेमाल की गई बिजली के इस सप्ताह से बिल आना शुरू हो गए। विद्युत विनियामक आयोग ने 22 से 26 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन बारिश आंधर चलने का अलर्ट, ऊना में 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार को धूप खिली रही। मौसम साफ रहने से ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शुक्रवार को भी प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 और 7 मई को बारिश आंधर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शुक्रवार रात से प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना है।
गुरुवार को आटा टन रोहतांग और श्रृंखला दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया। बर्फबारी से बंद श्रृंखला दर्रा को सीमा सड़क संगठन BRO ने बहाल किया। 3 दिन बाद दर्रा के खुलने से लाहौल के दाचा में फंसे 250 प्रवासी कामगारों समेत 400 लोगों को 60 वाहनों में लाहौल से जास्कर के लिए भेजा गया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।